क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए। आर रिलेशन किस में डिफाइंड है? सेट ए में। क्वेश्चन समझना है ठीक है भाई। आर एक रिलेशन है सेट ए में डिफाइंड है, तो आपको इस बात का मतलब समझ में आ गया। अगर आर रिलेशन सेट ए में डिफाइंड है तो उसने सेट ए का सेट ए के साथ क्या किया होगा? बहुत सारे जोड़े आएंगे। कितने जोड़े आएंगे? बहुत सारे। कि वन क्या क्या आएगा बोलो? वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स वन सेवन टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स टू सेवन थ्री वन थ्री टू थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स थ्री सेवन। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे आएंगे ना, बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे। फिर उसमें से कुछ जोड़े हम क्या करेंगे? बाहर निकाल के सबसेट बनाएंगे। वो सबसेट क्या होगा? रिलेशन। हम उस रिलेशन को पर्टिकुलर वे में एक एक एलिमेंट लेके भी प्रूव कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा होगा तो फिर हम जनरल वे में करेंगे। अरे हाँ या ना, तो देखना ध्यान से, क्वेश्चन समझेंगे भाई, ध्यान देंगे भाई, सभी ध्यान देंगे। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए। सेट ए दे रखा है, तो जैसे ही उसने बोला आर रिलेशन डिफाइंड है सेट ए में, तो आपको ये कहानी समझ में आ गई कि उसने ए का ए के साथ क्या किया होगा? कार्टेशियन। फिर उसने कुछ जोड़े क्या करे? बाहर निकाले। कौन से जोड़े बाहर निकाले? ए बी जोड़े बाहर निकाले कि बोथ ए एंड बी आइदर ऑड और इवन। कौन से जोड़े बाहर निकाले? या तो दोनों क्या ऑड नंबर या दोनों क्या इवन नंबर। हाँ या ना, तो आप बता सकते हो कि कौन कौन से निकाले होंगे? अगर मैं बोलूं आपसे आर में जोड़े निकाले गए दो दो, पहले उसने ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बहुत सारे एलिमेंट आए, एक दो तीन चार पांच छह सात तक है, तो एक आई के साथ किया तो वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स वन सेवन फिर टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स टू सेवन ऐसे, फिर थ्री का ऐसे बहुत सारे जोड़े आएंगे। उसने कौन से जोड़े बाहर निकाले? आर की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? कि बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, दोनों या तो ए और बी ऑड हो या दोनों इवन हो। तो कौन कौन से निकाले होंगे? क्या उसने वन वन निकाला होगा? हाँ यार, दोनों क्या है ऑड। क्या उसने वन थ्री निकाला होगा? हाँ निकाला होगा, दोनों ऑड है। क्या उसने वन फाइव निकाला होगा? निकाला होगा। क्या उसने वन सिक्स? नहीं नहीं, वन सिक्स नहीं। वन सेवन निकाला होगा? क्या उसने वन नाइन निकाला होगा? हाँ, दे ही नहीं रखा, सेवन तक ये में। हाँ आप बताओ, ये दोनों ऑड हो गए। क्या उसने थ्री वन निकाला होगा? क्या उसने थ्री थ्री निकाला होगा? क्या उसने थ्री फाइव निकाला होगा? क्या उसने थ्री सेवन निकाला होगा? हो भगवान, बहुत सारे, बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं ना, है ना, बहुत सारे आ रहे। फिर उसने क्या क्या, फिर फाइव फाइव वन निकाला होगा, फिर फाइव थ्री निकाला होगा, फाइव फाइव निकाला होगा, हाँ फिर फाइव सेवन निकाला होगा, फिर ऐसे ये, फिर ये तो ओड ओड के हो गए, फिर दोनों क्या इवन इवन, फिर ऐसे उसने क्या टू टू निकाला होगा, हाँ टू फोर निकाला होगा, हाँ टू सिक्स निकाला होगा, हाँ बहुत सारे आ रहे ना। तो इस पहले उसने ए का ए के साथ क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारे जोड़े आ रहे हैं, उसने कुछ जोड़े बाहर निकाले। कौन से जोड़े बाहर निकाले? आइदर ए और बी बोथ ऑड और बोथ इवन, ये वाले जोड़े बाहर निकाले होंगे। अब मैं इसको ऐसे प्रूव करने लग गया एक एक एलिमेंट से, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। इनफाइनाइट सेट होता तो जनरल करते करते, फाइनाइट में कम एलिमेंट हो तब हम पर्टिकुलर करते हैं एक एक एलिमेंट लेके। लेकिन अगर बहुत सारे एलिमेंट आ जाए तो भी हम किससे करेंगे? जनरल वे से। किससे करेंगे? तो जनरल वे से ही करेंगे, ऐसे नहीं करने वाले। हटा हटा सा कुछ नहीं। चले भाई आगे चलने। क्वेश्चन समझ में आ चुका तुम्हें, डेफिनेशन क्लियर है। तो रिलेशन में हमने ए बी जोड़े निकाले, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या शो करना है? आर कैसा रिलेशन है? पहले यहां तक करेंगे, उसके बाद आगे की कहानी करेंगे, ठीक है भाई? तो ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। आपके पास गिवन है सेट ए, क्या है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। क्लियर है भाई? ठीक है। फिर उसने एक रिलेशन आर निकाल रखा है। क्या रिलेशन आर निकाला? उसमें कौन से जोड़े निकाले? ए बी। सच दैट, डेफिनेशन क्या है? क्या है? बोथ, अरे बोलो, बोथ ए एंड बी, आर नहीं लिखा, डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ करोगे तो मतलब ही बदल जाएगा, लग जाए बदल जाएगा, अन्य बातें समान रहने पर ध्यान देना। ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, क्या है? आर नहीं लिखा, आइदर लिखा है। आर मैं लिखूंगा भी नहीं,
आइदर ऑड, डेफिनेशन जैसी है वैसे लिखूंगा, आइदर ऑड और इवन। ऑड पहले लिखा तो ऑड पहले लिखूंगा, इवन बाद में लिखा तो इवन। मैं छेड़छाड़ नहीं करता डेफिनेशन के साथ, पाप है। क्लियर है भाई? तो एक सेट इधर रखा है, उसने एक आई के साथ कार्टेशियन पर बहुत सारे जोड़े, उसने कुछ जोड़े बाहर निकाले। कौन से जोड़े बाहर निकाले? कि दोनों जो एलिमेंट है वो क्या है, या तो ओड है या फिर इवन है, ये निकाल लिए। ठीक है, आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी है ना। हम कैसे करेंगे, पर्टिकुलर बनाएंगे तो बड़े सारे जोड़े आएंगे, फिर यार बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, तो हम जनरल वे से करेंगे। किससे करेंगे? जनरल वे से। चलो करते हैं जनरल वे से। सबसे पहले क्या शो करोगे बोलो? रिफ्लेक्सिविटी। टू शो रिफ्लेक्सिविटी, पहले स्टेप में टू शो करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। अब धीरे धीरे आप पक्के होते जाओगे, अगर घर पे जाके कर लोगे तो बिल्कुल पक्के हो जाओगे। रिफ्लेक्सिविटी की उठा के आपको डेफिनेशन लिखनी है बस, खाली बताओ डेफिनेशन, बोलो। ए ए बिलोंग्स टू कहां पर? R में फॉर ऑल A belongs to कहां पर? किसमें? A में। क्लियर है भाई? अब डेफिनेशन कैसे शो करते हैं बताओ? टू शो में क्या आ गया? फॉर ऑल। तो क्या करोगे? लेट A belongs to A B given। ये given हो गया, यानी A का एक एलिमेंट A given है। अरे हाँ या ना? पक्की बात है? अब हम करते हैं इसको यूनिवर्सल ट्रुथ से। अब ट्रुथ हमें सोचना है, क्या सोचना है? सिंपल सी कहानी है। अच्छा बता दो, बता दो, बता दो मुझे, बता दो, ए कहाँ बिलोंग करता है? ए में। अगर ए में बिलोंग करता है, या तो टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा, या फिर वन थ्री फाइव सेवन होगा। हाँ या ना? तो केस नंबर फर्स्ट ऐसे बना देते हैं कि केस नंबर फर्स्ट कि एक तो गिवन है ना, तो ए क्या हो सकता है? ऑड। या ए क्या हो सकता है दूसरे केस में? इवन। चलो पहले करते हैं, ए ऑड है, क्या है? ऑड। अच्छा बताना, अगर ए ऑड है, अगर ए ऑड है, तो वी नो दैट, वी नो दैट, अगर ए ऑड है, क्या मैं लिख सकता हूं यूनिवर्सल फैक्ट, बोथ ए एंड ए आर ओड, बता दो हाँ या ना? ए अगर ओड है तो मैंने ए को दो बार लिख दिया, अरे यहां पे भी है, यहां पे भी है, अगर ये थ्री है तो यहां पे भी थ्री थ्री तो ही होगा। नहीं आई बात समझ? नहीं लिख सकता क्या भाई? मैं एक नंबर है टू, बोलो टू एंड टू बोथ इवन, क्या मैंने पाप कर दिया? क्या गलत बोला? एक नंबर टू, मैं बोला टू एंड टू बोथ इवन, यस बोथ इवन है, सेम ही तो है, जो पहला होगा वही दूसरा भी होगा, अगर वो इवन है तो इवन होगा, ऑड है तो ऑड होगा, पक्की बात है भाई। तो वी नो दैट बोथ ए एंड ए आर ऑड, दोनों ऑड है। ठीक है भाई, केस नंबर टू, केस नंबर टू, अगर ए क्या हुआ? इवन, तो बोलो क्या होगा? मैं लिख सकता हूं बोथ क्या ए एंड ए क्या आर इवन। अब इन दोनों को मिलाकर एक बात नहीं बोल सकता क्या मैं भाई? दो केस हैं, या तो ये होगा ऑड या फिर क्या होगा, तो मैं ऐसे बोल दूं बोथ ए एंड ए ऑड, आइदर ऑड और आई और इवन, दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं। अरे केस जब बनते हैं तो इसका मतलब और ही होता है, केस का मतलब ही क्या होता है, ये केस या ये केस, तो और अपने आप आ गया बीच में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड केस को मिलाकर अगर लिखा जाए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को मिलाकर लिखा जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं? बोथ, बोलो क्या? बोथ ए एंड ए या तो क्या होंगे? आइदर ओड और क्या? इवन। पक्की बात है? अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ आर पे। किस पे आते हैं? डेफिनेशन ऑफ आर की डेफिनेशन क्या बोलती है? अगर डेफिनेशन क्या है? अगर डेफिनेशन ये है कि बोथ ए एंड बी आइदर ऑड है और इवन, तो जोड़ा क्या बनता है? ए पहले बी बाद में, कहां बिलोंग करेगा? आर में। अगर ये पूरी अंग्रेजी सही आ रही है, बिल्कुल सेम, तो ये यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है और यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है वो जोड़ा बनाएगा, और वो कहां बिलोंग करेगा? आर में। पूरी अंग्रेजी सेम होनी चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करनी उसके साथ। तो बोथ ए एंड ए आइदर ऑड और इवन, पूरी अंग्रेजी सेम, तो ये पहला और ये दूसरा जोड़ा बनाएगा, तो जोड़ा क्या बनेगा? ए ए कहां बिलोंग करेगा? आर में। हाँ या ना?
पक्की बात भाई, अब चीजें आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी आने लग जाएंगी इफ यू आर सीरियस। अगर आप कोशिश करोगे तो पक्का समझ में आएगी, और कोशिश नहीं करोगे तो सर के ऊपर से चली जाएगी। क्लियर है भाई? और ये बहुत आसान है, बस मेहनत, एक बार की तो मेहनत लगती है। जब मैं कॉलेज में गया था और ये वाला मैथ्स देखा था तो मुझे चक्कर आ गए थे, मैं कहा यार ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन जब समझ में आने लगा तो ओ हो मैं कहा ये सबसे मज़ेदार है, और कुछ करना नहीं इसके अंदर, दो चार कॉन्सेप्ट तो याद रखने हैं, कुछ करना नहीं, घुमा फिरा के वही आता है यार, तो बड़ा सही है। तो ये क्या शो कर दी बताओ हमने? रिफ्लेक्सिविटी। अभी बारी किसकी है? अगले पेज पे करूंगा मैं सिमेट्रिसिटी, टू शो सिमेट्रिसिटी। अब देखो आप खुद कर पाओगे, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। सिमेट्रिसिटी डेफिनेशन बता दो क्या होगी, सिमेट्रिसिटी डेफिनेशन बतानी है आपको खाली, बोलो क्या होगी डेफिनेशन। ए बी बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। इट इंप्लाइज दैट क्या? बी ए बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कहां पर? ए में। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो सबसे पहले क्या लिखोगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू ए बी गिवन, ये गिवन है। और इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो कर रहे तो ये पार्ट गिवन होगा, ये शो कर रहा है तो गिवन है हमारे पास। बोलो क्या? ए बी बिलोंग्स टू आर, और मुझे ये लाना है। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या गिवन है? ये जोड़ा कहां बिलोंग करता है? आर में। तो क्या डेफिनेशन क्या बोलती है? अगर कोई जोड़ा आर में बिलोंग करता है तो यहां पर डेफिनेशन क्या बोलती है? बोथ ए एंड बी आइदर ऑड और इवन, हाँ या ना? ठीक, तो बोथ, इसमें तो पलटना होता है बस, सिमेट्रिसिटी बोथ ए एंड बी आइदर क्या? ऑड और इवन। अच्छा बता दो सिंपल सी बात, बोथ ऑड, मान लो ये वन है ये थ्री है, दोनों क्या है? ऑड। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं वन थ्री बोथ ऑड? वन एंड थ्री बोथ, बोथ वन एंड थ्री ऑड? क्या मैंने सही बोला? नहीं बोला। बोथ वन एंड थ्री ऑड? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बोथ थ्री एंड वन ऑड? अरे क्या होगा, इससे कुछ हो जाएगा क्या? एक और तीन दोनों ऑड है, तीन और एक दोनों ऑड है, एक ही तो बात है। तो ये जो बात है वो अगली बात को दर्शा सकती है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, दर्शाएगी बोथ, हम इसको लिख सकते हैं बोथ ए एंड बी आइदर ऑड और इवन। तो बोथ बी एंड ए आइदर ऑड और क्या? इवन। सिमेट्रिसिटी में तो बस आपको पलटी मारनी है, क्या करनी है समझ रहे हो भाई? ए बी अगर दोनों ओड है तो बी ए भी तो दोनों ओड है, ए बी दोनों इवन है तो बी ए दोनों क्या है? इवन, हाँ या ना? ठीक है, तो इससे ये बात लिख सकता हूं, तभी ये बात इंप्लाइज करते। अगर नहीं लिख सकता होता तो फिर ये ऐसा सिमेट्रिसिटी में सिमेट्रिक नहीं होता, फिर सिमेट्रिक नहीं होता। तो अब बताओ डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है? अगर ए बी दोनों ऑड दोनों इवन है तो जोड़ा क्या बनता है? ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर बी पहले आ गया ए बाद में आ गया तो जोड़ा क्या बनेगा? बोलो। बी ए बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। क्या शो करना था? यही करना था। क्लियर है भाई? अभी क्या बाकी है? ट्रांजिटिविटी और करते हैं, पहले करते हैं ट्रांजिटिविटी। बताना रे गांव वालों, बताना, डेफिनेशन बता दो भाई, डेफिनेशन बता दो। टू शो थर्ड पार्ट में ट्रांजिटिविटी, डेफिनेशन बोल दो। ट्रांजिटिविटी तो क्या डेफिनेशन होगी? ए बी बिलोंग्स टू, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इट इंप्लाइज दैट क्या? ए सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कहां पर? ए में। क्लियर है भाई? ये शो करना है तो हमारा वही सिस्टम, लेट फॉर ऑल आ गया, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर बी गिवन, ए बी सी बिलोंग्स टू आर बी गिवन, ये दे रखा है। बहुत बढ़िया, ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी गिवन। अब आपको क्या शो करना है? इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट क्या शो करना है? तो ये पार्ट गिवन होगा और ये पार्ट शो करना है, तो ठीक है गिवन है हमारे पास। क्या बोलो? ए बी जोड़ा कहां बिलोंग करता है? ए बी जोड़ा बिलोंग करता है आर में। एंड और बोलो, बी सी जोड़ा कहां बिलोंग करता है? आर में। अरे हाँ,
और मुझे क्या शो करना है, एसी जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। देखो कितना आसान है, देखो ए भी जोड़ा गया आर में बिलोंग करता है तो डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर कोई भी जोड़ा आर में बिलोंग करता है डेफिनेशन क्या बोलती है, बोथ, बोलो बोलो, ए एंड डेफिनेशन के साथ नो छेड़छाड़, बोथ ए एंड बी आइदर क्या, ऑड और इवन, यही होगा। फिर ये बी और सी बिलोंग करता है आर में तो डेफिनेशन क्या होगी, बोलो बोथ, बोलो भाई, बोथ बी एंड सी आइदर क्या, ऑड और इवन, ये लिख दिया। अब मुझे रिश्ता लाना है, किसमें लाना है, ए और सी में, ए सी बिलोंग्स टू आर दिखाना है ना, किसमें रिश्ता लाना है, किसमें लाना है, ये रिश्ता क्या ट्रांजिटिविटी कहलाता है, क्या कहलाता है, क्लियर है भाई, देखो ध्यान से समझे गए, ए भी जोड़ा आर में बिलोंग करता है डेफिनेशन लगा दी, ए और बी या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, बी सी बिलोंग करता है दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो या सिंपल सा लॉजिक भी लगा सकते हो, इससे कॉन्क्लूजन दे सकते हो। अगर मान लो ये दोनों ऑड हुए भाई, ये भी है ये भी, दोनों की सिचुएशन है ना, दोनों सिचुएशन है, अगर ये दोनों ऑड हुए, ये वन ये थ्री हुआ, तो बी यहां पर क्या है, कॉमन है, बी यहां पर क्या है, तो अगर ये दोनों ऑड हुए वन थ्री तो बी यहां पे कॉमन, तो बी यहां पे भी आएगा, तो ये क्या होगा थ्री, तो अगर इन दोनों की खास बात क्या है, दोनों जैसे, तो अगर ये ऑड है तो ये भी क्या होगा, ऑड होगा, मान लो ये हाँ या ना, नहीं आई बात समझ, बच्चों ध्यान देंगे सभी, कहता है ये दोनों गिवन है ना, ये दोनों कहां बिलोंग करते हैं, आर में करते हैं, या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड, तो पहला केस कि दोनों ऑड है, ये दोनों क्या है, ऑड, ये वन है थ्री है, अब ये दोनों ऑड है, ये दोनों दोनों सिचुएशन है, ये वाली भी बिलोंग करती है ये वाली भी बिलोंग करती है, अगर ये दोनों ऑड है तो बी ऑड है, बी यहां पे भी है कॉमन, यस और नो, अरे ये भी कंडीशन है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ये भी बिलोंग करता है आर में, ये भी बिलोंग करता है आर में, तो अगर वन थ्री बिलोंग करता है आर में, ये दोनों ऑड है तो थ्री यहां पर भी है, 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 और इन दोनों की खास बात क्या, दोनों एक जैसे है, तो अगर बी ऑड है तो सी भी क्या होगा, ऑड होगा, तो इसका मतलब ये दोनों ऑड है तो ये दोनों भी क्या है, ऑड, और अगर ये दोनों ऑड है, ये दोनों ऑड है तो ए और सी भी क्या होंगे, ऑड होंगे, हाँ या ना, नहीं आई बात समझ, अगर ये दोनों इवन होते क्या होते, इवन, ये टू होता ये फोर होता, तो फोर यहां पे, तो फोर यहां पे रिपीट होता क्योंकि बी कॉमन है, अरे हाँ या ना, तो इन दोनों का नेचर कैसा है कि दोनों एक जैसे, ये दोनों इवन है तो बी अगर यहां पे आ रहा है तो बी यहां पे भी आएगा, अभी फोर है बी तो अभी फोर है, तो बी अगर यहां पे फोर है और दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों इवन होंगे, अगर एक इवन हो तो दोनों इवन होंगे, तो ये मान लो सिक्स है, यस और नो, तो बताओ ये दोनों इवन तो ये दोनों भी इवन, तो इन दोनों के बारे में क्या कह सकते हो, ए और सी के बारे में, यस और नो, ये भी दोनों क्या होंगे, इवन, पक्की बात है भाई, तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस आपको इतनी सी बात लिखनी है, इन दोनों को मिलाकर एक कॉन्क्लूजन दिया जा सकता है कि बोथ ए बी अगर ऑड है तो बी सी भी क्या है, ऑड, तो ए सी भी क्या होंगे, ऑड, और या फिर अगर ए बी क्या है, इवन है, और बी सी भी क्या है, इवन, तो ए सी भी क्या होंगे, इवन, हाँ या ना, तो इन दोनों को मिलाकर एक कॉन्क्लूजन दे सकते हो आप क्या, कि बोथ बोथ बोलो क्या, ए एंड सी, बोथ ए एंड, अरे हाँ या ना, बोथ ए एंड सी आइदर क्या, ऑड और क्या, इवन, रीजन एक लिखोगे कि बी इज अ कॉमन एलिमेंट, बी क्या है, कॉमन, बी इज कॉमन, ये लिखना है क्योंकि यही तो हेल्प कर रहा है हमारी, क्लियर है भाई, तो अब बताओ डेफिनेशन क्या बनेगी, बोथ ए एंड सी आइदर ऑड और इवन, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, ए सी कहां बिलोंग करेगा, आर, क्लियर है भाई, और ये वाला एग्जांपल हम इसको लेट करके भी बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूरत नहीं है, बस यही है, तो क्या हो गई, ट्रांजिटिविटी, तो इसका मतलब रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है कितनी कंडीशन को, तीन कंडीशन को, यहां तक समझ में आ गई बात भाई, अभी थोड़ी सी पार्ट, थोड़ा सा और क्वेश्चन बाकी है, वो आसान सा है वो वाला पार्ट, वो पार्ट अब देखेंगे,
अभी पूरा कहाँ हुआ क्वेश्चन? ये रहा अगला पार्ट, बिल्कुल आसान है इस क्वेश्चन का, देखो बिल्कुल समझना है क्वेश्चन का मीनिंग, समझना है मीनिंग, समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी होगा। यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया, अब वो क्या बोल रहे हैं, फर्दर शो दैट, फर्दर ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट 1, 3, 5, 7, कह रहा है सारे एलिमेंट इस सबसेट के, सबसेट किसका है, ए का, ए में क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये क्या है इसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो ये क्या है इसका सबसेट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी होगा भाई, ध्यान देना ध्यान देना, बीच में नहीं छोड़ सकता क्वेश्चन। कह रहे शो दैट, फर्दर शो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट, इस सबसेट के, किसका सबसेट है, ए का, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। कह रहा है शो करो ऑल एलिमेंट किसके, इस सबसेट के, क्या करते हैं, रिलेटेड टू ईच अदर। इस सबसेट का नाम रख लिया मैंने ए वन, तो इसका नाम क्या धर लेते हैं, ए वन। ए वन क्या है, 1, 3, 5, 7, यस और नो, ये किसका सबसेट है, ए का। क्या शो करने के लिए बोल रहा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, इस सबसेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर, सारे अपने साथ क्या करते हैं, रिलेट, यानी इसके एलिमेंट का इसी के एलिमेंट के साथ अगर जोड़े बनाओगे तो वो रिलेशन में मौजूद होंगे, इसका मतलब क्या करते हैं, रिलेट। तो अगर इसके एलिमेंट के, इसके एलिमेंट को, इसके एलिमेंट का इसी के एलिमेंट के साथ क्या बनाओगे, जोड़े, तो वो कहां बिलोंग करेंगे, रिलेशन में। अगर बिलोंग करेंगे इसके सारे एलिमेंट इसी के सारे एलिमेंट के साथ जोड़े बनाकर रिलेशन में बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब इसके एलिमेंट इसी के साथ क्या करते हैं, रिलेट। बताओ करेंगे क्या, अगर इसके एलिमेंट का इसी के एलिमेंट के साथ जोड़े बनाओगे, 1, 1 जोड़ा क्या आर में, आर में होगा, बोथ क्या है ऑड, 1, 3 जोड़ा क्या आर में होगा, होगा, 1, 5 जोड़ा क्या आर में होगा, क्यों, क्योंकि बोथ क्या है odd, yes or no, it has all odd element, इसके अंदर सारे क्या है, odd element, और odd element का odd element के साथ ही जोड़े बनाओगे तो वो कहां पे होंगे, relation में। relation की definition क्या है, तो उसमें दोनों odd होंगे या दोनों even होंगे, odd का odd के साथ जोड़ा बनाया तो दोनों odd हो गए, तो इसका मतलब कहां पे होंगे, वो relation के अंदर होंगे। नहीं आई बात समझ में, कुछ ज्यादा नहीं लिखना, ये हो गया। तो आप ऐसे लिखोगे ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ किसके, ए वन, are related to A1 के सभी एलिमेंट अपने साथ क्या करते हैं, रिलेट। क्यों करते हैं, रिलेट करने का मतलब क्या है, उसके एलिमेंट का उसी के एलिमेंट के साथ जोड़ा बनाओगे तो कहां मौजूद होना चाहिए, रिलेशन में। रिलेशन में वो जोड़ा बिलोंग करता है तो वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब ये, उसके एलिमेंट का उसी के एलिमेंट के साथ जोड़ा बनाया और वो कहां बिलोंग करेगा, रिलेशन में, तो इसका मतलब वो उसके एलिमेंट उसी के साथ क्या करते हैं, रिलेट। क्या करेंगे बिलोंग, इसके एलिमेंट का इसी के साथ जोड़े बनाओ, इसमें क्या है ओड एलिमेंट, तो ओड का ओड के साथ जोड़े बनाओगे तो दोनों ओड ओड हो जाएंगे, और दोनों ओड होंगे तो कहां होंगे, रिलेशन में। रिलेशन में होंगे तो इसके सारे एलिमेंट इसी के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, हाँ या ना। तो क्या लिखोगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A1 आर रिलेटेड टू ईच अदर, रीजन क्या दोगे, क्यों, बिकॉज A1 हैज ऑल क्या, ओड एलिमेंट्स, A1 में सारे क्या है, ओड एलिमेंट, हाँ या ना। अरे ऐसा तभी तो हो रहा है क्योंकि A1 में सारे क्या हैं, ऑड एलिमेंट हैं, तो ऑड का ऑड के साथ जोड़ा बनाओगे तो दोनों ऑड हो जाएंगे, और रिलेशन में कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, अगर दोनों ऑड है तो रिलेशन में है, जो अगर वो जोड़ा रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब रिलेट करते हैं वो अपने साथ। अरे हाँ भाई, अच्छा बताओ अगले पार्ट में बता देना, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे, मुझे लगता है कि आप लोग बता दोगे, यहां तक कर दिया। एंड ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट, एक और सबसेट दे दिया, इसका नाम रख दो क्या, A2, एक और सबसेट दे दिया उसने क्या, A2 क्या है, 2, 4, 6, क्या था है? ये भी शो करो, फर्दर शो दैट, एक तो ये शो करना था, ये भी शो करना है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सबसेट A2 आर रिलेटेड टू ईच अदर, इस A2 के भी सारे एलिमेंट क्या करते हैं, ईच अदर, अपने साथ ही क्या करते हैं, रिलेट। क्या करेंगे, इसके एलिमेंट का इसी के एलिमेंट के साथ जोड़े बनाओगे, क्या वो रिलेशन में होंगे, इसका एलिमेंट 2 उसका 2 के साथ जोड़ा, 2, 2 क्या वो आर में है, क्यों है, क्योंकि दोनों इवन है, क्या 2 इसका एलिमेंट 2 इसी का एलिमेंट 4, 2, 4 क्या वो आर में है, क्या 2, 6 क्या वो आर में है,
फोर टू क्या वो आर में है? ऐसा क्यों रहा है? क्योंकि दोनों क्या हैं? इवन इवन आ जाएंगे, और अगर बोथ इवन या बोथ ओड होते हैं तो वो आर में होते हैं, और अगर इसके एलिमेंट इसी के साथ जोड़े बनाओगे तो वो आर में मौजूद है। इसका मतलब इसके एलिमेंट इसी के साथ क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। हाँ या ना, समझ में आई बात? तो बोलो क्या होगा? ए टू ये है, क्या लिखोगे? ऑल एलिमेंट्स, बस इतना ही लिखना है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ किसके? ए टू के आर रिलेटेड टू क्या? ईच अदर। रीजन बताओ क्या होगा? यस, ए टू हैज ऑल इवन एलिमेंट्स। समझ गए भाई? अब अगला पार्ट अगर तुम नहीं बता पाए तो तुमसे बड़ा कोई गधा इस दुनिया में हो नहीं सकता। अगला पार्ट यहां तक हो गया। वो बोलता है बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट। इस सबसेट का नाम क्या है? A1। इस सबसेट का नाम क्या है? A2। मतलब बताना, बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट A1 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सबसेट A2। मगर इस A1 का कोई भी एलिमेंट इस A2 के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करता। ये शो करना है, बताओ करेगा? A1 का कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेट नहीं करता। इसका मतलब क्या है? अगर A1 के किसी एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ क्या बनाओगे? जोड़ा, तो वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये 1, 2 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशन में कौन बिलोंग करते हैं? या तो दोनों इवन होने चाहिए या दोनों ऑड होने चाहिए। तो नो एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A2। रीजन क्या? A1 हैज ऑड ऑड एलिमेंट और A2 हैज इवन। ऑड का इवन के साथ जोड़ा बनाओगे तो जोड़ा क्या बनेगा? ऑड इवन, और वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। रिलेशन में तो कौन बिलोंग करते हैं? दोनों ऑड या दोनों इवन। अरे हाँ या ना, तो क्या लिखा जाएगा? बोलो 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 भाई। अगला पार्ट, नो एलिमेंट ऑफ किसका? A1 इज रिलेटेड No element of A1 is related to any element of A2. Reason क्या दोगे? बोलो reason बताओ। Main तो reason है क्या? A1 has odd elements और A2 has even element। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि उसमें odd है और उसमें इवन है। तो ऑड का इवन के साथ जोड़ा बनाओगे तो एलिमेंट कैसा आएगा? एक ऑड एक इवन, तो वो जोड़ा तो आर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि आर में हमने कैसे एलिमेंट निकाले हैं? दोनों ऑड या दोनों इवन। समझ में आई बात? नहीं आई, लिखा तो होगा नहीं।